40 mm/L 70 एंटी बम की पहली खेप स्वीडन के लिए रवाना। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए आयुध निर्माणी खमरिया जबलपुर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया से निर्मित MM40/L70 बम से 30 से 40 किलोमीटर दूर दुश्मनों के परकच्चे उड़ा देगा। नमो नाम के एंटी एयरक्राफ्ट एम बम को पहली बार भारत यूरोपियन देश स्वीडन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिसको लेकर देर रात 40 mm/L 70 एंटी बम की 11,000 कॉटेज केस फैक्ट्री से स्वीडन के लिए रवाना किया गया। करीब 40,000 कॉटेज केस में से 11,000 कॉटेज केस फैक्ट्री ने स्वीडन के लिए रवाना किए हैं। यह पहली खेप है जिसे स्वीडन के लिए भेजा जा रहा है। खमरिया फैक्ट्री में तैयार हो रहे इस बम की खासियत यह है कि यह तमाम देशों की बजाय फैक्ट्री ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित कर रही है। सफलतापूर्वक बम का किया गया था परीक्षण। आयुध निर्माणी खमरिया न्यू नेशन इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त उत्पादन लक्ष्य में सर्च नमो स्वीडन के द्वारा 40 mm/L 70 के 44 कॉटेज केस का ऑर्डर प्राप्त हुआ था, जिसमें से खमरिया फैक्ट्री के द्वारा 200 सैंपल स्वीडन भेजे गए थे। प्रोसेस ऑडिट व फायरिंग के सारे पैरामीटर सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद पास हुए थे, जिसके बाद खमरिया में उत्पादन की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी, जिसकी 11,000 कॉटेज केस की पहली खेप महाप्रबंधक अशोक कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। महाप्रबंधक बोले, फैक्ट्री के लिए यह बड़ी उपलब्धि। इस अवसर पर महाप्रबंधक अशोक कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामना देते हुए यह कहा कि यह हमारी उन्नतिशील तकनीक व कुशल कर्मचारियों के द्वारा निर्मित गुणवत्ता युक्त स्वदेशी उत्पाद धीरे धीरे विश्व पटल पर अपना अलग स्थान बना रही है। वहीं इसी तरह उत्पादन हुआ तो कॉटेज केस के और भी अधिक ऑर्डर ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया को मिलेंगे। स्वीडन ने दो विदेशी कंपनियों को किया था रिजेक्ट। OKF का यह उत्पादन न केवल DRDO से प्रमाणित है, बल्कि मेक इन इंडिया की मिसाल भी है। स्वीडन की जिस कंपनी के लिए कॉटेज केस को भेजा गया है, यह कंपनी दो विदेशी कंपनियों के उत्पाद इसके पहले खारिज कर चुकी थी, जिसके बाद इसके उत्पादन के लिए खमरिया फैक्ट्री को चयनित किया गया था। हालांकि खमरिया फैक्ट्री में करीब 3 वर्षों से 40 mm कॉटेज केस का निर्माण हो रहा था। जबलपुर OFK की इस उपलब्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहें द खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।